और दोस्तों, मैं धनराज गौतम आज के इस वीडियो में सर्वेइंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड स्टेट जेई एंड यहाँ पर भी दोस्तों सर्वेइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किलोमीटर में दूरी के साथ सटीक तलेक्षण प्रकार के लिए अनुमेय त्रुटि किसके द्वारा दी गई है? E = ±0.025√D। ऑप्शन नंबर 2, E = ±0.100√D। ऑप्शन नंबर 3, E = ±0.012√D। ऑप्शन नंबर डी, E = ±0.006√D। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ±0.006√D। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला मूल रूप से भूमि माप के लिए 66 फीट की लंबाई के साथ प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मीट्रिक श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 2 इंजीनियरिंग की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 3 कुटर की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 4 राजस्व श्रृंखला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटर की श्रृंखला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तलेक्षण स्टाफ की न्यूनतम गणना है? 0.5 mm, 0.15 cm, 5 cm और 5 mm। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति रेखा को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है? नगर सर्वेक्षण, भूकर संबंधी सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकर संबंधी सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या की गणना करें जो विस्तारित वर्नियर के 8 भाग के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर सी 3 15, ऑप्शन नंबर डी 16। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 50 मीटर टेप को लाइन से 2 मीटर बाहर रखा जाता है, वास्तविक लंबाई क्या है? दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है C = D² / 2 × L। दोस्तों यहाँ पे डी का मान दिया हुआ है 2 मीटर, जो एल लंबाई है टेप की वो 50 मीटर है। इस सूत्र में मान रखने पे दोस्तों जो सी का जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। दोस्तों इसका मान आएगा 49.96, जो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग चित्रण पटल सर्वे स्टेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी अनुरेखण, ऑप्शन सी प्रतिच्छेदन, ऑप्शन डी विभाजन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुरेखण और विभाजन, मतलब करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ केवल बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज जरीब में लिंक की संख्या कितनी होती है? 100, 50, 33, 16। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 16। स्वराज जरीब में लिंक की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर मीट्रिक श्रृंखला में कड़ियों की संख्या कितनी है? 80, 100, 120, 150। दोस्तों 20 मीटर
मीटर मीट्रिक श्रृंखला में कड़ियों की संख्या 100 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक नगर राजमार्ग संरेखण परियोजना के लिए किए जाने वाले इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के सही अनुक्रमिक चरण प्रदान करता है? सामरिक मानचित्र अध्ययन, प्रारंभिक सर्वेक्षण, अंतिम स्थान और विस्तृत सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक सर्वेक्षण, मानचित्र अध्ययन, सामरिक, अंतिम स्थान और विस्तृत संरेखण। ऑप्शन नंबर थ्री, मानचित्र अध्ययन, सामरिक, प्रारंभिक सर्वेक्षण, अंतिम स्थान और विस्तृत सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर डी, मानचित्र अध्ययन, प्रारंभिक सर्वेक्षण, सामरिक, अंतिम स्थान और विस्तृत सर्वेक्षण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मानचित्र अध्ययन, सामरिक, प्रारंभिक सर्वेक्षण, अंतिम स्थान और विस्तृत संरेखण, जो ऑप्शन नंबर थ्री है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नति वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अनत, समद्विपाती, अनिवत, समनत। दोस्तों का करेक्ट आ जाएगा समनत रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रेखा के प्रत्येक तरफ एक रेखा के समकोण पर किन स्तरों में तलेक्षण किया जाता है? सटीक तलेक्षण, प्रोफाइल तलेक्षण, विभेदी तलेक्षण, क्रॉस अनुभाग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्रॉस अनुभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक दिक्सूचक का अल्पतमांक निम्न में से क्या है? 1 डिग्री, 30 मिनट, 15 मिनट, 20 सेकेंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण के कंपास में सही आशांकन को कौन सा चित्र दर्शाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आशांकन को सही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की टेप वजन 24 न्यूटन है, इसके निलंबन मुक्ति सिरों पर 200 न्यूटन का खिंचाव लागू किया जाता है, तो उसकी सही लंबाई क्या होगी? दोस्तों इसका लंबाई याद करने का सूत्र होता है CS=W²L/24P². दोस्तों यहाँ सामने माइनस हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो W है, टेप का वजन प्रति इकाई में होता है, यहाँ L है आलम्ब के बीच निलंबन टेप की लंबाई, और लागू किया गया खिंचाव P = होता है, तो इसका मान रख देंगे CS=। दोस्तों हमारे पास W दिया हुआ है 24 न्यूटन, तो 24 का स्क्वायर × यहाँ पे हमारे पास लेंथ दी हुई है दोस्तों 100 मीटर, सॉरी दोस्तों, और हमें और पास पी, जो लागू किया गया खिंचाव है दोस्तों वो 200 दिया हुआ है, 200 न्यूटन, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आएगा इसका -0.006 आएगा। दोस्तों इसकी सही लेंथ याद करने के लिए 100 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 मीटर की टेप है, तो इसमें से घटाएंगे दोस्तों, तो आंसर आएगा 99.94 मीटर, जो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दो दूरी 200 मीटर और 298 मीटर के टेक्योमेट्रिक उपकरण से मापा जाता है, और इसके स्टाफ के अंतर क्रमशः 2 मीटर और 3 मीटर होते हैं, योज स्थिरांक कितना होगा? 2, 4, 98। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ।